नंबर टू 9096। भाई खाना खा के मैं टीवी देख रहा था, बच्चे आगे के रूम में जो दीवार गिरा उधर बैठ के मोबाइल देख रहे थे, टाइम पास कर रहे थे। तब तक तो कुछ देर में ही वो दीवार भर भरा के गिरा। तकरीबन कितने बजे ये हादसा हुआ? अब 8 बजे के बाद ही गिरा, 8:30 के बाद ही गिरा है वो। आप कुल फैमिली में आपके कितने लोग हैं? यहाँ पे हम 6 लोग हैं। सब 6 लोग घर में थे? हाँ, 6 लोग घर में थे। जो मलबे के नीचे गिरे दबे थे वो कितने लोग थे? वो 5 जन थे। 5 जन थे, उसमें से कौन कौन था यहाँ पे? ये हमारी बीबी, हमारी 3 लड़कियाँ और 1 लड़का। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? अब उसके बाद मैंने बाहर निकल के आवाज लगाया, मैं अकेले मट्टी नहीं हटा पा रहा था, तब तक तो बाकी हमारे आस पड़ोस के सब। जब आप बाहर गए थे तब ये सब लोग मलबे के नीचे ही थे? हाँ, सब मलबे के नीचे ही थे सब। फिर उसके बाद? अब उसके बाद सब लोग आ गए, सब मट्टी निकाले, हम लोग को निकाल के हॉस्पिटल में लेके आए। वो दीवार कच्चा था या कुछ? कच्चा था। कुछ बांधकाम वगैरह चल रहा था? नहीं नहीं, कुछ नहीं, मट्टी का दीवार था, लेकिन हम 4-5 साल से थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था, इस बार ऐसा हुआ है। अभी इंजरीज किस किस को आई, जख्मी किस को हुई? जख्मी तो मानते थोड़ा तो सबको लगा है, खाली ये बच्चे जो है, छोटे बच्चे, इनका अंदाजा नहीं है कितना लगा है, कितना लगा। ये जो छोटा बच्चा दिख रहा है हमें, ये कितने साल का है? ये 1.5 साल का है। ये पूरा मिट्टी के नीचे दबा था? मिट्टी के नीचे सब बच्चे दबे, सिर्फ मैं दूसरे कमरे में था, तो इसके लिए मैं नहीं मट्टी में। भाभी फोन पहचान वाला है क्या आप? नहीं,